तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि सेथ रॉलिंस रिडल के बीच होने वाले पिट फाइट एक्सट्रीम रूल मैच में फॉर्मर यूएफसी चैंपियन डेलियन कॉर्मियर स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे और यह अनाउंसमेंट करी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन ब्रिटिश स्पोर्ट रिपोर्टर एरियल हॉलवानी ने, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। और दोस्तों यहां पर कुछ और डिटेल्स डेनियल को लेकर मंडे नाइट रॉ में आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर अपडेट है कि बीस्ट ब्रॉक लेसनर एक्सट्रीम रूल में अपना सरप्राइज रिटर्न करके डेनियल कॉर्मियर को कन्फ्रंट कर सकते हैं, जिसके बाद डेनियल कॉर्मियर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच क्राउन जॉल इवेंट के लिए कंफर्म हो सकता है। और इस मैच का डेनियल कॉर्मियर काफी टाइम से वेट कर रहे हैं और फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग में फर्स्ट टाइम एवर डेनियल कॉर्मियर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हमें देखने को मिलेगा और यह मैच किसी मेगा मैच से कम नहीं होने वाला। वैसे दोस्तों 2019 में डेनियल कॉर्मियर ने एक इंटरव्यू में ट्रिपल एच को बोला था कि डेनियल ब्रॉक लेसनर पर हाथ साफ करना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग उन्हें वहां से ले गए, जिसके बाद ट्रिपल एच जवाब देते हैं कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। और यहां पर फाइनली ट्रिपल एच ने डेनियल कॉर्मियर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लिए मना लिया है और अब पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि डेनियल कॉर्मियर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हमें देखने को मिलेगा क्राउन जॉल में। तो अगर क्राउन जॉल 2022 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस डेनियल कॉर्मियर के बीच मैच होगा तो कौन जीतेंगे, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।